जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टपारिया टूल्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये स्टॉक इन दिनों खासा चर्चा में होने के पीछे की वजह है इस स्टॉक की तेजी। यहाँ पर भी देख सकते हैं तकरीबन एक दिन में 5-5% की तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। और जब से स्टॉक में तेजी आना शुरू है, जब से स्टॉक ऊपर की तरफ चलना शुरू किया है, कभी भी मुड़ के पीछे की तरफ नहीं देखा। लगातार इस स्टॉक का प्राइस रॉकेट बना हुआ है और ऊपर ही जा रहा है। इस वजह से स्टॉक इन दिनों खासा चर्चा में। इसके अलावा और भी इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कैसे है, लंबी अवधि में इसमें पैसा बनेगा नहीं बनेगा, तेजी के पीछे की वजह क्या है, तेजी कब तक बनी रह सकती है, जिनका पहले से इन्वेस्टमेंट है, जो नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सभी चीजों को एकदम निचोड़ निकाल के इस वीडियो में आपको आसान भाषा में बताऊंगा कि टपारिया टूल्स लिमिटेड में क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो टपारिया टूल्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी के काम को यदि हम लोग आसान भाषा में समझें तो ये कंपनी एक स्वीडिश कंपनी है। उसका नाम खैर हमें अभी यहाँ पर पता नहीं है। स्वीडिश कंपनी के साथ कोलाबोरेशन में चल रही है और इस कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, ये हैंड टूल्स प्रोवाइड करती है, बनाती है। हैंड टूल्स कहने का मतलब वो औजार। और हैंड जैसे आपको मैं बता दूँ, जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, जो रिंचेस होते हैं, और जो वेरियर टाइप्स के नेल पुलर्स होते हैं, वो सब चीज़ें मतलब जो मैन्युफैक्चरर के लिए काम आने वाली छोटी छोटी टूल्स होते हैं, उसको ये कंपनी बनाती है। देखिए काम मतलब एक प्रकार से देखें तो बहुत यूनिक काम है कंपनी का, क्योंकि इस तरह की काम करने वाली कंपनियां बहुत आपको कम मिलेंगी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो। तो इस ये भी एक वजह हो सकता है स्टॉक मार्केट में इस कंपनी में तेजी आने के पीछे, क्योंकि एक छोटी सी कंपनी है और सही समय पर यदि लोगों के रडार पर स्टॉक आ जाता है तो जाहिर सी बात है इसमें लंबी अवधि में तेजी बनेगी ही बनेगी। और वो तेजी अभी से इस स्टॉक में दिख रही है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि छोटी सी कंपनी होने के बावजूद अभी हाल ही में कंपनी ने डिविडेंड बोनस सब चीज़ दिया था, मैं आपको BSE की वेबसाइट पर दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लोग कंपनी के काम को समझ लिए, थोड़ा सा फंडामेंटल समझ लेते हैं कि फंडामेंटली कंपनी कितना स्ट्रांग है। देखिए मार्केट कैप है सिर्फ तकरीबन 4.5 करोड़ के आसपास, बहुत छोटी कंपनी है। और देखेंगे इसका जो शेयर प्राइस है 3 रुपये के आसपास है, हालांकि स्टॉक का PE बहुत कम है। तो खैर हम तो PE देखते ही नहीं, हम तो चार्ट पर लेवल देख के कंपनी के शेयर प्राइस को बाई करते हैं। तो हम लोग जब चार्ट पर देखेंगे तो वहाँ पर समझेंगे कहाँ पे उसको उठाना है। जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से शेयर प्राइस कम है, ये चिंता की बात है। बुक वैल्यू से शेयर प्राइस हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये उतनी भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये स्टॉक अभी डिलिस्ट होने नहीं जा रहा है। जब कोई स्टॉक डिलिस्ट होने जा रहा होता है ना, तब बुक वैल्यू उतना मायने रखता है। यहाँ पे देखेंगे जो कंपनी का ROE है और जो ROCE है, यह तकरीबन 30-30% के आसपास ही, मतलब काफ़ी अमेजिंग है रिटर्न ऑन इक्विटी। आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कम से कम 30% रिटर्न निकाल कर देने का दमखम रखती है। तो ये तो हो गया कंपनी का काम, और काम के बदौलत हम लोगों ने फंडामेंटल को वजह से देखा, दोनों ओवरऑल काफ़ी बेहतर निकल के सामने आते हैं, जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि लंबी अवधि में टपारिया टूल्स में एक अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। अभी हम लोग यहाँ BSE इंडेक्स वेबसाइट पर आ गए और BSE इंडेक्स वेबसाइट पर आप देखेंगे मैंने टपारिया टूल्स लिमिटेड स्टॉक को ओपन किया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए ये स्टॉक जो अभी आप तेजी देख रहे हैं, इसमें क्या हुआ है कि ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गया है। ट्रेडिंग विंडो तब क्लोज होता है जब कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले होते हैं, और अभी आपको पता है कि सभी कंपनियों के दिसंबर क्वार्टर के यानी कि Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए इसका भी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दिया गया। यानी कि भले स्टॉक तेजी में है, लेकिन अभी आप इसमें एंट्री नहीं ले सकते, इस स्टॉक को अभी बाई नहीं कर सकते। यदि इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट करना होगा, मैं बताऊँगा कब एंट्री कर सकते हैं और कहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे यदि कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे, हाल ही में कंपनी ने क्या कॉर्पोरेट एक्शन लिए हैं, तो आपको बोनस इशू देखने को मिला है 4:1 का। यानी कि आपके पास रिचार्ज शेयर्स थे तो उस पर 1 शेयर एक्स्ट्रा आपको मिला है। और यहाँ पे इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखा गया था जून जुलाई 2023 में रखा गया था, यानी पिछले साल की बात है। और साथ ही कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड भी दिया था 2023 में ही। यानी कि ये एक छोटी से स्टॉक होने के बावजूद आपको समय समय पर कंपनी डिविडेंड और बोनस शेयर्स आपको देते हुए दिख रही है, और ये उदाहरण है कि आगे भी ये कंपनी आपको बोनस और डिविडेंड देती रहेगी यदि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है। तो यदि आप डिविडेंड लवर है तभी से स्टॉक को चूज कर सकते हैं। हम लोग आगे कंपनी के 1 साल के चार्ट पर और यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं कि अभी हमें इस स्टॉक में करना क्या है। देखिए हम सभी जानते हैं कि जब भी चार्ट पर W का फॉर्मेशन होता है, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है। यहाँ पे W बना और स्टॉक का प्राइस देखिए उसके बाद से लगता है रॉकेट बना हुआ है। रॉकेट इसलिए भी बना हुआ है क्योंकि जैसे मैंने बताया कंपनी ने जुलाई 2023 में क्या दिया था, बोनस दिया था। तो बोनस के बाद से स्टॉक में लोगों ने एंट्री ली, चूँकि बोनस से उसका लाभ लेना है, तो इसके बाद से भी शेयर का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है और प्राइस अभी ऊपर जा रहा है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी तो वैसे भी चूँकि ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, तो ट्रेडिंग विंडो क्लोज होने की वजह से आप इसमें नया एंट्री नहीं ले सकते, आपको वेट ही करना पड़ेगा जब तक ट्रेडिंग विंडो Q3 के बाद, हालांकि ये चालू हो जाएगा ट्रेडिंग विंडो, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन सवाल है कि कहां पे एंट्री लेना है, तो आपको इस चढ़ती हुई रेलगाड़ी में एंट्री नहीं लेना है, आपको वेट
करना है, थोड़ा सा प्राइस करेक्ट होने का जहाँ तक जा रहा जाने दीजिए। जैसे प्राइस थोड़ा सा नीचे आएगा और जहाँ से सपोर्ट लगे, प्राइस ऊपर उठने लगेगा, वहीं पर आप एंट्री कर लीजिएगा। ये अभी जितना ऊपर जा रहा है इसको जाने दीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपको बस वेट करना है कि प्राइस ये कहाँ तक ऊपर जा रहा है और जहाँ से ऊपर जाके नीचे आने लगे और नीचे आकर फिर उठने लगे, आप वहीं पर यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। जिसका नहीं मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट है वो, और जिसका इन्वेस्टमेंट है वो चाहे तो यहाँ पर एवरेजिंग कर सकता है। तो मैंने ये बताया कि आपको कहाँ पर एंट्री लेना है। अब चलिए थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को समझ लेते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे प्रमोटर्स के पास तकरीबन 70% के आसपास हिस्सेदारी, यानी कि ये एक इतना अच्छा स्टॉक है कि इसके प्रमोटर्स अपने शेयर्स को बेच ही नहीं रहे हैं। मैक्सिमम शेयर्स सिर्फ प्रमोटर्स लेकर बैठे हुए, पब्लिक के पास सिर्फ 30% की हिस्सेदारी है। यानी कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लंबी अवधि में ये स्टॉक आपको बेहतर रिटर्न देते हुए दिख सकता है, क्योंकि इसमें जो कंपनी के मालिक है खुद का उनका भरोसा है और उनका इसमें इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट है। बाकी कंपनी जो काम करती है और जो कंपनी का फंडामेंटल है उसके बेसिस पे तो लंबी अवधि में टपरिया टूल्स में तेजी बने रहने की उम्मीद है ही। तो उम्मीद करता हूँ इस स्टॉक के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दिया आप उससे सहमत होंगे, समझ में आया होगा। कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।